तो खैर सभी लोगों ने रिव्यू दे दिया है अपना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ अलग ट्राई करें, क्यों ना हम इस गाने की अच्छाइयों पे नजर मारने की कोशिश करें एक बार। हाय, इट्स बीन लॉन्ग, अपलोड किए परदेसी। आई नो आप लोगों को कुछ बदला लग रहा है, एक्चुअली इट्स माय स्पॉन्सर हैंड सैनिटाइजर बाय पापार्थ। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही एक रीमेक पैदा हुआ है जिसका नाम है चुरा के दिल मेरा। चुरा के दिल मेरा गाने का रीमेक आ चुका है दोस्तों। तो ये जो ओरिजिनल गाना था जिन्होंने कंपोज किया था, उन्होंने ही रीमेक भी कंपोज किया है। जी हाँ, इट्स मिस्टर अनु मलिक एंड लिरिक्स ऑफ बोथ द सॉन्ग्स आर ऑल्सो रिटन बाय द सेम पर्सन, रानी मलिक जी। जो ओरिजिनल गाना था वो गाया था कुमार शानू एंड अलका याग्निक जी ने, द आइकॉनिक 90s वॉइसेस। एंड द न्यू वन इज संग बाय बेनी दयाल एंड अनमोल मलिक। अनमोल मलिक इज द डॉटर ऑफ अनु मलिक। तो मैंने वो रीमेक सुना एंड सरप्राइजिंगली विदाउट सरप्राइज आई डिडंट अप्रिशिएट इट बिकॉज इट्स अ रीमेक। तो ये जो रीमेक है हंगामा 2 मूवी का, मैंने इस गाने के काफी रिव्यूज देखे YouTube में। तो YouTube में लोग इसका काफी क्या कहते हैं बैश कर रहे हैं इस गाने को, काफी लोग मतलब नाराज हैं इस गाने से, जो कि लाजमी है भाई। ओरिजिनल गाने ने जो मैजिक क्रिएट किया था वो रीमेक कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। इट्स गुड टू सी, सो गुड टू सी कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रीमेक्स को, लोग ओरिजिनल की कीमत को पहचान रहे हैं। तो खैर सभी लोगों ने रिव्यू दे दिया है अपना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ अलग ट्राई करें, क्यों ना हम इस गाने की अच्छाइयों पे नजर मारने की कोशिश करें एक बार, द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट रीमेक, कि इसमें क्या अच्छा किया है लोगों ने, इस रीमेक में क्या मेहनत की गई है वो एक बार नजर मारते हैं उस चीज पे। लेट्स टेक अ लुक एट द म्यूजिक फर्स्ट, जो म्यूजिक बनाया इन लोगों ने रीमेक का। इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स हमें सुनाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक गिटार हमें सुनाई दे रहा है, ये जो ट्यून आती है ओरिजिनल गाने में जो थी वो रीमेक में भी रिटेन की है इन लोगों ने। स्टार्टिंग इसी प्रकसिव गिटार लीड से होती है दोनों गानों की। तो एक्चुअली रिटेन तो किया है इन लोगों ने कुछ ना कुछ, चलो अच्छी बात है। तो इसी तरह से गाने में इलेक्ट्रिक गिटार का यूज हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हुआ है और सैक्सोफोन का यूज हुआ है कहीं कहीं। बट द थिंग इज जो बीट है गाने की, जो बीट है वो मशीनरी बीट है, वो ऑब्वियसली इट्स अ डिस्को बीट बेसिकली। और अगर हम ओरिजिनल की तरफ नजर मारे तो ओरिजिनल में एक स्ट्रिंग सेक्शन सुनाई दे रहा था हमें बाकायदा, वायलिंस का चेलो का सेक्शन सुनाई दे रहा था हमें अलग से, वियोला वगैरह सब सुनाई दे रहे थे अलग से। तो देर वर भरपूर इंस्ट्रूमेंट्स इन दैट सॉन्ग। और बीट्स की अगर हम बात करें तो तबला बीट्स थी, बहुत ही कैची तबला बीट्स थी। तो जो ऑर्गेनिक लेवल था एक म्यूजिक का वो कम हो चुका है बेसिकली रीमेक में, जो कि लाजमी है आजकल के टाइम में, कौन मेहनत करना चाहता है ना, रीमेक्स के लिए कौन बुलाएगा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, है ना। और रीमेक में मैं सही बताऊं ना, वो जो एक ट्यून आती है ना बार बार गिटार की, एक बार ठीक है दो बार ठीक है पर बार बार नहीं अच्छा लगता यार। पर्सनली मेरे को वो चीज इरिटेटिंग लगने लगी कुछ देर बाद, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट हो रही थी। सो आई लॉस्ट इंटरेस्ट। और मैंने पूरी कोशिश की थी इस रीमेक को एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ सुनने की, जो मेरी ओरिजिनल के साथ इमोशनल अटैचमेंट्स है, मेमोरीज हैं, उन सबको साइड में रख के इस रीमेक को सुनने की मैंने पूरी कोशिश की थी। तो दिस इज माय ऑनेस्ट पॉजिटिव रिव्यू अबाउट द रीमेक। अब अगर हम सिंगिंग की बात करें गाने में, तो नया वाला वर्जन गाया है अनमोल मलिक एंड बेनी दयाल ने। अनमोल मलिक ने फीमेल पार्ट गाया। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अनमोल कैसे गा सकता है फीमेल पार्ट, अनमोल मलिक इज द डॉटर ऑफ अनु मलिक, वो उनका नाम है। और अच्छा गाया उन लोगों ने, कोई खराब नहीं गाया है, मूड के साथ गाया है, अच्छा गाया है। बट द थिंग इज द आइकॉनिक वॉइसेज, हम लोग कुमार शानू जी को इतना सुन चुके हैं इस गाने में, हमारे कान इतने यूज टू हो चुके हैं इस गाने में इन आवाजों को लेके, कि हमें लगता है कि यार इन आवाजों के अलावा कोई और आवाज नहीं फिट बैठेगी इस गाने में। तो दैट्स द थिंग विद द रीमेक्स मैन, ओरिजिनल की जो बात है ना वो ओरिजिनल के रहेगी, वो रीमेक कभी नहीं ले सकता। तो सिंगिंग डिस्पाइट बीइंग गुड, इट कांट क्रिएट दैट मैजिक अगेन। और रही बात एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी रीमेक में, हारमोनी का यूज हुआ इस गाने में, जो रीमेक आया था उस गाने में। एंड मी बीइंग अ फैन ऑफ हारमोनीज आई लव्ड इट। और अब बात करते हैं लिरिक्स की। लिरिक्स ऑफ द रीमेक आर समथिंग लाइक दिस, नशीली नशीली निगाहों ने लूटा, अदाओं ने घायल किया, कभी पास आके कभी दूर जाके बड़ा दर्द तूने दिया, मेरे रूप का मेरे रंग का तेरे रूप का तेरे रंग का तेरे रूप का तेरे रंग का छाया है मुझ पे नशा। क्या होली खेल रहे हैं क्या ये? खैर लिरिक्स आर गुड, कोई ऐसा मिसफिट वर्ड नहीं नजर आ रहा है हमें। डांस नंबर है भाई, डांस नंबर में लिरिक्स का ध्यान कहां जाता है, वो तो हम ऐसे ही रोस्ट करने के लिए इन लिरिक्स को पकड़ लेते हैं कि रोस्ट करेंगे इनको, बट एक्चुअली लिरिक्स आर नॉट द पॉइंट ऑफ अटेंशन इन डांस सॉन्ग्स। तो ठीक है लिरिक्स डांस सॉन्ग के हिसाब से बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओरिजिनल की तो उसके लिरिक्स देखते हैं एक बार। अभी तो लगे चाहतों के मेले, अभी दिल मेरा धड़कने से खेले, किस मोड़ पर मैं तुमको पुकारू, बहाना कोई बना तो ना लोगे, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है तो मुझसे निगाह चुरा तो ना लोगे, अगर बढ़ गई है बेताबियां कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो ना लोगे। वेल टू बी ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू माई कैच, मुझे ये वाले लिरिक्स थोड़े ज्यादा संस्कारी लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नया वाला बेकार है, बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा 90s का वो भोलापन नजर आ रहा है।
ऑनेस्टी नजर आ रही है, एक 90s वाली वाइब नजर आ रही है और नए वाले में नई वाली वाइब नजर आ रही है, तो बोथ आर गुड अकॉर्डिंग टू देयर एरास। बट कुल मिला के बात यह है कि ओरिजिनल ने जो मैजिक क्रिएट किया था वो तो रीमेक कभी नहीं करने वाला है। वो रीमेक क्यों बनाते हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आता, क्यों बनाते हैं रीमेक क्यों? देयर आर सम रीमेक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं बट यूजुअली आई डोंट लाइक रीमेक्स। और दूसरी बात तो यह है कि इतने पॉपुलर गाने का रीमेक करते हैं लोग जो लोग सुनते आ रहे हैं उस जमाने से जब से ये रिलीज हुआ है। कितना पुराना गाना है ये, कितनी मेमोरीज जुड़ी होंगी लोगों की इस गाने से, कितने नॉस्टैल्जिक होंगे वो लोग इस गाने को लेकर, है ना, कितनी फीलिंग्स जुड़ी होंगी इस गाने को लेकर। कितनी आइकॉनिक वॉइसेस थी इस गाने में, कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी की वॉइसेस थी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की केमिस्ट्री थी इस गाने में। चुरा के मिया घूम जा, बढ़िया चला गया सर, ये पागल हो गया ये। 1 2 3 1 2 3 इधर घूम जा इधर। जो भी ये सब मिला के एक वाइब बनती है ना, उस वाइब को बीट नहीं कर सकता रीमेक। तो मैं कितना भी पॉजिटिव बोल दूं इस रीमेक के बारे में, बात यह है कि वो ओरिजिनल को बीट कर ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं बीट कर सकता। तो दैट्स व्हाट इट इज। रीमेक बनाने का क्या ही फायदा है, बस उसे व्यूज मिल जाएंगे और क्या। और म्यूजिक लेबल वैसे भी चाहता यही है कि वो व्यूज ले, बस उसे व्यूज से मतलब, क्योंकि व्यूज से पैसे आ रहे हैं, एड्स देखते हैं लोग, बस पैसे आ जाते हैं। हम लोग अगर डिसलाइक भी करने जाते हैं उस गाने को तो हमारा व्यू उसे मिल ही जाता है, और व्यूज से ही मतलब होता है लोगों को, ज्यादा डिसलाइक आ गया तो वो बटन ही हटा देते हैं आगे जाके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। अब से मैं कोशिश करूंगा और जल्दी वीडियोस डालने की। बाय।